आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। मंशिया के इस्तेमाल और बढ़ती हुई लत व लानत से निमटने के लिए साउथ जोन डीसीपी और तमाम साउथ जोन के पुलिस ने नशे से आज़ादी के नाम से एक जामा ड्रग बेदारी प्रोग्राम यानी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए माशरे को मंशियात के इस्तेमाल के खतरात के बारे में आगाह करना और इन्हें रोशन करना है। मुकामी तिब्बी और स्टेशनरी दुकानों के साथ साथ ताउन करते हुए प्रोग्राम का जदीद तरीक़ा माशरे पर देरपा असर पैदा करने की कोशिश करता है। ये तकरीब बाविकार सेंचुरी फंक्शन हॉल में मुनक्किद की गई, जिसने इस मसले की संगीनी और इससे निमटने के लिए पुलिस फोर्सेस के अज़म को वाज़े किया। तिब्बी दुकानें यानी मेडिकल शॉप्स के बग़ैर नुस्खों के दवाइयां देने की वजह से भी ये गलत इस्तेमाल मुमकिन खतरात के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है। दूसरी जानिब स्टेशनरी की दुकानात आवाम में मालूमाती प्लेटफॉर्म और मवाद तकसीम करके अपना हिस्सा डाल रही है। इस बात को यकीनी बनाती है कि मंशियात से मुतालिक आगाही का पैगाम दूर दूर तक फैलाया जाए। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की ये खसूसी रिपोर्ट। सबको आदाब, आज साउथ जोन पुलिस पूरा मिल के यहाँ पे तंजरी फंक्शन हॉल में साउथ जोन पे जितने भी मेडिकल शॉप्स और स्टेशनरी शॉप ओनर्स हैं उन लोगों को बुला के काउंसलिंग दिया गया, ताकि जो ये ड्रग्स जो ड्रग्स का प्रीवेलेंस है उसको कम करना है। जैसे ये हम लोग आज नशा से आज़ादी नाम के एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन को नशा से दूर रखने के लिए प्रोग्राम है, उसमें हम लोग को इंफॉर्मेशन आ रही है कि वाइटनर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो इजीली नशा लेने का एक स्कोप था वो, तो इसीलिए स्टेशनरी शॉप ओनर सबको बुला के एक काउंसलिंग रखा, ताकि अननेसरी वाइटनर्स को नहीं बेचना और जो भी वाइटनर्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में लोकल पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के बारे में उन लोगों को काउंसलिंग दिया गया। साथ साथ मेडिकल शॉप्स पर नाइट्रोविट टैबलेट और इंजेक्शंस जो नशा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग उन लोगों को काउंसलिंग किया, ताकि अननेसरी ये स्केड्यूल्ड एच ड्रग है जिसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन का बेचने से उन लोगों के ऊपर केस बन सकता है, उसके बारे में भी हम लोग उन लोगों को इंटीमेट किया और उन लोगों को काउंसलिंग दिया गया, ताकि ये ड्रग्स जो है जो नशा करने वाले ड्रग्स है और स्केड्यूल एच ड्रग्स पर्टिकुलरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बेचे। और सबका ताउन मांगा इसमें कि हमारा हैदराबाद सिटी को ड्रग्स फ्री सिटी बनने का पुलिस का जो एफर्ट में सबका ताउन चाहिए था सबको, इसीलिए बुला के ये भी रिक्वेस्ट किया। और ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम का जो मकसद है सीपी साहब का इंटेंशन था, तो पी साहब चार्ज लेने के बाद से ड्रग्स के ऊपर खासतौर के स्पेशल फोकस रखा था और अभी भी चल रहा है फोकस, तो उसके सिलसिले में ये हैदराबाद सिटी जो तेज़ी से डेवलप हो रहा है उनको जो और आने वाले जनरेशन्स को ये ड्रग्स जैसा डेंजरस चीज़ से बचाने का एफर्ट था, और साथ साथ ये ड्रग्स की वजह से क्राइम भी बढ़ने का चांसेस है, उसके लिए भी प्रिवेंटिव एक्शन हमारे साइड से पुलिस के साइड से ये हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये कम्युनिटी पॉलिसिंग का पार्ट होने से वजह से हम लोग डेली लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स और बाकी डिफरेंट प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी हम लोग कौन से अवेयरनेस ला रहे हैं कि ड्रग्स की वजह से क्या क्या बैड क्या क्या नुकसान हो सकता है, और डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक जॉब मेलास भी हम लोग करवा रहे हैं, ताकि उन लोग को अच्छा एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से हम सबको अपील करना चाह रहे हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस वेरियस एनजीओ से और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप होकर जो भी ड्रग एडिक्ट से उन लोग को लेके रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजना और उसको वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे लाने के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं और उन लोग के ऑलरेडी टाई अप हो चुके हैं। तो सभी को हमारे साइड से रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन आते कि ड्रग कंजम्पशन के बारे में या ड्रग्स कोई बेच रहे हैं उसके बारे में आते, प्लीज़ लोकल पुलिस को हमारे को इंफॉर्मेशन पास ऑन किया जाएगा, तो उन लोग को बचाने पे हम आप लोग का
हेल्प होगा और हमारा आजाबाद सिटी को ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनने में आपका क्रूशियल रोल होगा। थैंक यू, जय हिंद। हज व उमरा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुकद्दस मुकामात की ज्यारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मजीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 0404854 9586 पर भी रابطہ कर सकते हैं।